अध्याय एक श्लोक क्रमांक 39। कुलक्षे प्रणशयन्ति कुलधर्मः सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृतस्नम अधर्मा अभिभवत्यु। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म में व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि परिवार की उन्नति बड़े बूढ़ों से ही होती है, अतः उनका वध करना सही नहीं होगा।